अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है अरसलान शानी और आप देख रहे हैं उर्दू पाकिस्तान। लाला कहते ही पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है वो बिल्कुल तीर की तरह सीधी हो चुकी है और अपनी परफॉर्मेंस की तरफ दोबारा से लौट चुकी है। लाला के आते ही पाकिस्तान की टीम में बुलंदियां छूनी शुरू कर दी है, इंशाल्लाह तआला हमें आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। लाला ने जो आते ही सबसे अच्छा काम किया है वो ये किया है, आते ही जो टीम है चेंजिंग है वो की, जिस तरह से बाबर की मनमानी की जा रही थी पिछले दिनों में वो अब नहीं चलेगी लाला के। तो लाला ने आते ही पहले ही कॉन्फ्रेंस में और ये किया कि आप जो भी आएगा वो मेरिट के ऊपर खेलेगा, किसी की भी नहीं चलेगी। तो लाला ने आते ही पीसीबी के सीएस से पहले ज्वाइनिंग ही आते ही नेशनल स्टेडियम कराची से दी, जो कि लाला ने जाते ही मीटिंग के लिए जब गए तो जाते ही उन्होंने पहले पिच का मुआयना किया और बाद में एक मीटिंग ज्वाइनिंग की और बाद में ऐलान किया, जिसमें दो लड़कों को शामिल किया, खासकर एक अमीर हमजा को। उन्होंने कहा जो अमीर हमजा है इसकी जो परफॉर्मेंस है ना वो डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत ही शानदार वाला है और इसका हक है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में खेले। और इसके अलावा इन्होंने कहा अगर सरफराज को भी मौका मिलना चाहिए, अगर वो जो मोहम्मद रिजवान है वो परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, वो उनकी नहीं आजकल बैड शोर में नहीं आ, तो इसलिए सरफराज अहमद को मौका मिलना चाहिए ताकि वो अपना जो उसका जज्बा जो उसके अंदर क्रिकेट छुपी हुई बैठी हुई है साल डेढ़ से वो उसको बाहर निकाले। तो आज फिर दो ने चेंजिंग किएंगे और अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान ने आला शानदार किस्म की आज क्रिकेट खेली। और सरफराज अहमद जिसने कम बैक किया तकरीबन 2-2.5 साल के बाद, उसने आते ही पहले ही इनिंग्स में 86 रन बनाए और जो कि माशाल्लाह बहुत ही शानदार है। इस तरह से पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है अब बुलंदियां छुएंगी और आज के मैच के बारे में हम आपको बताएंगे। लाला ने आते ही जो स्टेटमेंट दी और उन्हें बताया कि किसी किस्म की किसी की नहीं चलेगी, जो भी क्रिकेट टीम में पाकिस्तान की टीम में जो भी लड़का खेलेगा वो सिर्फ और सिर्फ मेरिट पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आएगा, किसी को नहीं देखा जाएगा कौन आया कौन नहीं गया, किसकी सिर्फ और सिर्फ उसने कहा परफॉर्मेंस चलेगी। और दूसरी बात यह है जो आजकल हमें देख रहे